हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसको लेके हर तीसरा इंसान परेशान है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बालों के गिरने या बालों की टूटने की समस्या को लेके। इतने सारे केमिकल्स, शैम्पू, कंडीशनर, हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और हमारे बाल फिर भी नहीं रुक रहे होते हैं। उसका कारण शायद ये केमिकल्स और शैम्पूज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाल क्यों गिरते हैं और इनका इलाज क्या है। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं आखिर में आपको ऐसे तीन होम रेमेडीज़ और मेडिसिनल प्लांट के नुस्खे बताने वाला हूँ जिनसे गारंटेड आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि बाल गिरते क्यों हैं। तो नए बाल आते हैं, पुराने गिर जाते हैं, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। और ये जब बैलेंस बना रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक ये बैलेंस बना है। जैसे ये इम्बैलेंस होता है तो फिर बाल हमारे ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, बाल आपको मुट्ठी में आने लगते हैं, कंघे में बहुत ज़्यादा बाल आने लगते हैं। तो ये इम्बैलेंस क्यों होता है, उसके कारण क्या है, पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस इम्बैलेंस के या बाल गिरने के जो मुख्य कारण है, पहला आपका हेयर स्टाइल भी हो सकता है, फिजिकल कॉज है कि अगर कोई पोनी टेल बांधता है और बालों को बहुत ज़्यादा टाइट खींच के रखता है तो उसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं और बाल आसानी से गिरने लगते हैं। इसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कुछ विटामिन्स की डिफिशेंसी, जैसे विटामिन D3, विटामिन B और जिंक का बड़ा रोल है। अगर ये चीज़ें कम होती हैं तो आपके बाल जल्दी गिरते हैं। कुछ बीमारियों में भी बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जैसे एनीमिया के मरीज़ों में, यानी कि खून की कमी के मरीज़ों में बाल बहुत जल्दी गिरते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एक दूसरा एग्जाम्पल है, या कुछ स्किन की डिजीज़ है जैसे डैंड्रफ हो जाता है, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें भी बाल काफ़ी तेज़ी से गिरते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे एलोपेशिया, एरिएटा, तो ये सब बाल गिरने के कारण होते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रखी है और बहुत जल्दी वेट अपना गिरा लिया है तो उसकी वजह से भी बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण है, ख़ास तौर से जैसे एजिंग के साथ, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आते जाते हैं, मेनोपॉज के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, या वो लेडीज़ जो बर्थ पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, या अगर सेक्स हार्मोन्स का लेवल कम हो जाए हमारे अंदर, तब भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे कुछ एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ हैं, कुछ गाउट की दवाइयाँ हैं, वो भी बाल गिरने का कारण बन सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो एक बड़ा कारण है वो है जेनेटिक कारण, जो सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि जनरली अगर जेनेटिक रीज़न से बाल गिरते हैं तो फिर वो आसानी से नहीं आते दोबारा से। तो ये तो हमने दोस्तों कारण समझ लिए, अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, ट्रीटमेंट जो है इसके, दोनों तरह के ट्रीटमेंट की आपसे बात करूंगा, हर्बल होम रेमेडीज़ और मेडिसिनल प्लांट से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं और मॉडर्न साइंस में इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहले हम मॉडर्न साइंस के ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। उसमें सिंपली मिनिडॉक्सल यूज़ करते हैं। मैं सलाह करूंगा कि आप डॉक्टर की एडवाइस पे इसको इस्तेमाल करें, या कुछ दूसरी दवाइयाँ भी आती हैं जो खाने के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर एक जब कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर कह दीजिए आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, यही ऑप्शन बचता है। बट हाँ, जेनेटिक कारण के लोगों को मैं सलाह करूंगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बाकी कारणों में आप जो आगे मैं बता रहा हूँ तीन नुस्खे, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं बाल गिरने से और आपके बाल रीग्रो हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक नुस्खा। पहला जो नुस्खा है, इसको हम हेयर कंडीशनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिंपली आप जो काला ज़ीरा होता है उसको ले लीजिए, रात को भून लीजिए और उसको पानी में भिगो के रख दीजिए सुबह तक के लिए। सुबह निकालिए, उसका पेस्ट बनाइए और उसके अंदर एक चम्मच बालछड़ पाउडर, या जिसको जटामासी कहते हैं, इसका पाउडर मिला के पेस्ट बना लीजिए और फिर उसमें उतना हिना पाउडर ले लीजिए जितना आपके सर पे आ जाए। इन तीनों को पेस्ट बना के आप 2 घंटे के लिए अपने सर पे लगा के छोड़ दें। इसको आप 20-22 दिन में या महीने भर में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इवन आपका जो अगर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है वो भी कंट्रोल होगा। जो दूसरा नुस्खा है दोस्तों, इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपली आप ब्रह्मी की जो पत्तियाँ होती हैं उनके लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और 1 टेबलस्पून पेस्ट में करीब 1 टेबलस्पून नींबू का रस या लेमन जूस मिला लीजिए और इसको आप नहाने से 15 मिनट पहले रोज़ाना अपने बालों में इस्तेमाल करें तो आपके बाल गिरना रुक जाएंगे और बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। इन दोनों ही तरीक़ों से जो आपके बालों के जड़ें हैं उसमें न्यूट्रिशन बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर खून की सप्लाई बढ़ने लगती है।
और जब न्यूट्रिशन बढ़ता है, खून की सप्लाई बढ़ती है, तो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके बाल गिरना कम हो जाते हैं। और जो तीसरा नुस्खा है दोस्तों, इसको कहते हैं हम रोगने पंच। ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसमें 5 तरह के तेल होते हैं और तेल को या ऑयल को हम रोगन के नाम से भी जानते हैं। तो पहला है रोगन आंवला, इसको आप 20 ml ले लीजिए। दूसरा है रोगन जरारी, इसको 10 ml ले लीजिए। तीसरा है रोगन बेजय मुर्ग, इसका 10 ml ले लीजिए। चौथा है रोगन बालछड़ या जटामासी, इसका भी आप 10 ml ले लीजिए। और पांचवा है रोगन बादाम, इसका भी आप 10 ml ले लीजिए। इन सारे तेलों को, इन सारे ऑयल्स को एक साथ आप मिला के रख दें और हफ्ते में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, रात को सोते समय अपने सर की इस तेल से मालिश करें। हल्के हाथों से मालिश करें, बहुत तेज़ मालिश करेंगे तो बाल ज़्यादा टूटेंगे। और उसके बाद सुबह आप किसी हर्बल शैम्पू से अपने सर को धो सकते हैं। आई एम वेरी श्योर, अगर आपने ये तीनों नुस्खे आजमाए और इस्तेमाल किए तो आपके बाल गिरने से रुक जाएंगे और नए बाल भी आने लगेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके कमेंट्स का, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।